बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। हमें एहसास है कि आपका वक्त बेहद कीमती है, इसलिए हम आपके लिए इंतहाई मुस्तनद खबरें बेहद मुख्तसर वक्त में लेकर हाजिर होते हैं। आपको आगाह करेंगे कि वफाकी बजट जो कि 5 जून 2022 ईस्वी को पेश किया जा रहा है, उसमें सरकारी मुलाज़मीन के लिए क्या कुछ है। तो बताया जा रहा है कि इस दफ़ा चूँकि ये हुकूमत पहला और आखिरी बजट पेश करने जा रही है, तो पेंशनर्स की पेंशन में 20% इजाफा होगा, जिसका ऐलान भी कुछ अरसा कबल किया गया था। ये भी कहा जा रहा है कि मुलाज़मीन की तनख्वाह में 2016, 2017, 2018 और 2019 ईस्वी के चारों एडहाक रिलीफ बुनियादी तनख्वाह में जम करके नई बुनियादी तनख्वाह पर मज़ीद 20% एडहाक रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा अंदरूनी ज़राए ये भी कह रहे हैं कि तमाम अलाउंसेज में 50% इजाफे का भी इम्कान है। ऑडियंस, इस ज़मन में जब हमने माहरीन तालीम और दीगर से बात की, तो उनका कहना था कि चूँकि ये हुकूमत अपना पहला और आखिरी बजट पेश करने जा रही है और उसके बाद किसी भी वक्त इलेक्शन मुतवक्के हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मुलाज़मीन की हमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अलाउंसेज दिए जाएँ। अब वाकयातन ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो 5 जून 2022 ईस्वी को ही पता चलेगा। ताहम आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई ये हुकूमत ये तमाम अलाउंसेज सरकारी मुलाज़मीन के लिए बढ़ाएगी या फिर ये सब ऐसी बातें ही बनी हुई हैं। अपनी आरा का इजहार कमेंट की सूरत में कीजिए, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दीगर सरकारी मुलाज़मीन के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।